कक्षा छः विषय गणित, गणित के अंदर हम प्रश्नावली 10.1 के सवालों को कर रहे थे। तो आज हमारा जो सवाल है वो आपके प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 11, ये है, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है, एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक समषट्भुज। यानी एक 30 सेंटीमीटर लंबा धागा है, उस धागे को मोड़कर आकृतियां बनाई गई है तीन तरह की। जब आकृति बनेगी तो इसकी आकृति की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी वो आपको निकाल के बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो दे रखा है इसके अंदर वो है एक वर्ग, एक वर्ग। तो इसको ध्यान से देखना आपको। सबसे पहले हमें दे रखा है तार की लंबाई, सॉरी धागा दे रखा है, धागे की लंबाई। तो जो धागे की लंबाई होगी वो वर्ग का, वो वर्ग का क्या होगी, परिमाप। क्योंकि ना तो धागे को काटा गया है ना ही धागे में कुछ जोड़ा गया है। तो जिस धागे की लंबाई थी, जैसे मान लीजिए एक धागा है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, अब इसको जब वर्ग की आकृति बनाएंगे तो वर्ग की आकृति इस प्रकार बनेगी। तो धागा की धागे को मोड़कर बनाया गया है, धागा कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इसके चारों ओर की जो कुल दूरी होगी वर्ग की वो कितनी होगी 30, और चारों ओर की कुल दूरी क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो मैंने लिखा धागे की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 30 सेमी। अब आपको क्या निकालना है, इसके अंदर प्रत्येक भुजा की लंबाई, जो आकृति आपको दे रखी है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, परिमाप बट्टे 4, परिमाप बट्टे 4। तो 30/4 सेमी, तो हम 30 में क्या लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 4 का लगाएंगे, 4 का भाग। तो 30 से छोटी संख्या क्या होती है 4 के बड़े में, 4 × 7 = 28, कितना होता है 28। हमने घटाया तो कितना रह गया 2, फिर लगाया दशमलव, यहाँ लग गया 0। 4 का भाग हम 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4×5=20, तो कितना आंसर है हमारा 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें लग देंगे अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 7.5 सेमी। ये आपका पहला एक आंसर। अब दूसरी आकृति इसने आपको दे रखी है नंबर बी, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज। तो बात हुई है धागे की लंबाई बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, जो धागे की लंबाई होगी वही समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, परिमाप होगा। जैसे मैंने आपको चित्र बना के वर्ग का समझाया था, तो समबाहु
त्रिभुज का परिमाण, ये आपको सवाल में दे रखा है 30 सेमी। अब आपको क्या निकालना है इसमें, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो इसका सूत्र हो जाएगा परिमाण, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं, तो हम 3 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो 30 सेमी बट्टा 3। अब भाग हो गया 3 एकम 3 और 0 अपने स्थान से, तो कितना आया 10 सेमी, कितना आया 10 सेमी, तो इसका आंसर हो जाएगा अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 10 सेमी, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 10 सेमी। अब देखिए अंतिम सवाल आपको स्वयं करना है, ध्यान से देख लीजिए, इसके अंदर आपको दे रखा है समषष्ठभुज, क्या दे रखा है समषष्ठभुज। अब जैसे लिखा धागे की लंबाई होगी, वही संभव त्रिभुज का परिमाप था, तो आप लिखोगे धागे की लंबाई बराबर समषष्ठभुज का परिमाप। फिर अब समषष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती है, कितनी होती है 6 भुजाएं होती है, तो आपको इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा परिमाप बटा 6। तो आप क्या करोगे 30 के अंदर 6 का क्या लगाना है, भाग लगाना है, तो 6 के बारे में 30 कितनी बार आता है, 5 बार, और वही इसका क्या हो जाएगा 5 सेमी इसका आंसर। तो इन 2 को उतारिए, इस 30 सेमी को आप समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।